स्वागत है फिर से एक नई वीडियो पर। दोस्तों सारेगामापा का ऑडिशन अभी आने वाला है, तो इसके लिए आप लोग सोच ही रहे होंगे मन ही मन कि कौन किस तरह का सॉन्ग हम लोग को चुनना चाहिए ताकि हम लोग ऑडिशन में सिलेक्ट हो सके। क्योंकि बहुत कोई ऐसे हैं जिनको पता भी नहीं, जो सीखते भी नहीं हैं, और बहुत कोई ऐसे भी जो सीखते भी हैं लेकिन उस तरह का नॉलेज प्रॉपर नहीं है। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊँगा दोस्तों कि किस तरह का सॉन्ग अगर आप लोग सिलेक्ट करते हैं तो आपका सिलेक्शन जो है वो 100% होगा, और उस तरह का आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। दोस्तों यहाँ मैं लगभग 4 कैटेगरी का सॉन्ग रखा हूं। अगर इस 4 कैटेगरी का सॉन्ग आप चुनते हैं तो मैं सॉन्ग भी आप लोग को बताऊंगा किस किस तरह का सॉन्ग आप लोग चुनेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत डिमांडेबल वीडियो है। तो 4 कैटेगरी में रखा हूं इसको मैं, सेमी क्लासिकल, गजल हो गया, सूफी सॉन्ग हो गया, उसके बाद सैड रोमांटिक हो गया। तो इस 4 तरह का कैटेगरी का आपको जो है सॉन्ग चुन लेना है, और उसके बाद उसी सॉन्ग को आप लोग को प्रैक्टिस करना है, और सॉन्ग को प्रैक्टिस करके आपको ऑडिशन देने जाना है दोस्तों। और अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है, ऑडिशन बिल्कुल 1 महीने के अंदर अंदर आपका स्टार्टिंग हो जाएगा ग्रैंड ऑडिशन। इसलिए आप लोग को, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग का बहुत ज़्यादा हेल्प हो दोस्तों। तो चलिए बिना कुछ देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप लोग स्क्रीन पर सब कुछ देख सकते हैं, जो जो भी मैं गाना बोलूँगा, जो भी सूफी है, जो भी है। और एक बात मैं ये बता दूं आप लोग को कि ये चीज़ देखिए, जिनका जिनका गुरु है वो अपने अपना गाना जो है उनको ही पूछ लीजिए कि सर गज़ल या फिर जो है सेमी क्लासिकल में कौन सा सॉन्ग आता है। अगर वो बोलते हैं, अगर वो चूज़ कर देते तो बहुत ही अच्छा है। और अगर आपके पास गुरु नहीं है, और अगर गुरु आपका बोल भी नहीं रहे हैं, क्योंकि बहुत कोई ऐसे होते हैं पुराना ख्यालात के होते हैं, पुराना पुराना गाना सिखाते हैं, तो वो हो सकता है कि इस तरह का उनका नॉलेज ना हो। लेकिन अगर हो तो आप लोग ले लीजिए, अगर नहीं हो तो ये वीडियो आप लोग देख के आप लोग भी अपने से सर्च करके यहाँ पे पता कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन एक बात मैं टोकना चाहूँगा आपको यहाँ पे कि आप लोग YouTube में सर्च मत कीजिएगा। YouTube में सर्च करने से अगर आप लोग गज़ल सर्च करते हैं तो वहाँ पे आपको सजेशन में देगा, सेमी क्लासिकल भी आपको सजेशन में दे सकता है। अगर सैड रोमांटिक अगर आप लोग सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पे अलग अलग तरह का गाना भी दे सकता है। अगर सेमी क्लासिकल सर्च करेंगे तो सैड रोमांटिक भी दे देगा। हम लोग का ही तो वो ऑडिशन देने गया था, ठीक है, तो वहाँ पे जब वो ऑडिशन देने गया था उससे पहले वो सर्च किया था सेमी क्लासिकल सॉन्ग या फिर क्लासिकल सॉन्ग सर्च किया था, और क्लासिकल सॉन्ग सर्च किया था, उसके बाद वो कुमार सानू वाला जो है सॉन्ग आ गया, ठीक है। और जब वो वहाँ पे ऑडिशन देने गया तो वहाँ पे उनको पूछा जा रहा है कि आप कौन सा क्या सुनाने वाले हैं, तो उनसे पूछा गया था गाना के बारे में। तो उसने कहा कि मैं क्लासिकल सॉन्ग सुनाना चाहता हूँ। उसने गाना का बोल नहीं रखा, उसने बोला कि मैं क्लासिकल सॉन्ग गाना चाहता हूँ। और इस तरह से जब पूछा गया क्लासिकल में कौन सा गाना चाहते हो, तो बोला कि कुमार सानू का कोई एक गाना बता दिया। तो उन लोगों ने बोला कि ये तो क्लासिकल सॉन्ग है नहीं, सैड रोमांटिक सॉन्ग है। तो इस तरह से जो है उसका फर्स्ट इम्प्रेशन ही गड़बड़ा गया। इसलिए दोस्तों आप लोग को इस तरह का नहीं करना है। आप लोग को जान के जाना है, नॉलेज लेके जाना है कि कौन सा क्या है। तो इसलिए आपका फर्स्ट इम्प्रेशन जो है बना रहे, क्योंकि बोला जाता है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। इसलिए आप लोग को फर्स्ट अच्छा वाला देना है। तो चलिए यहाँ पे ले चलते हैं आप लोग को यहाँ पे स्क्रीन पे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं सेमी क्लासिकल यहाँ पे सर्च करके रखा हूँ। तो सेमी क्लासिकल में क्या क्या सॉन्ग आता है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। मोरा पिया जो है ये भी एक क्लासिकल सॉन्ग है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मोहित चौहान जी ये गाए हैं, और भी 3 सिंगर हैं यहाँ पे। पिया बाबरी भी ये भी है एक क्लासिकल सॉन्ग, जिया लागे ना। उसके बाद ओरे पिया, तेरे बिन नहीं लगदा, भरे नैना, ये जितना भी आप लोग देख सकते हैं सॉन्ग का लिस्ट दे सकते हैं। ये जितना भी है दोस्तों सेमी क्लासिकल सॉन्ग है। यहाँ पे देखिए एक प्लेलिस्ट ही भरा हुआ है सेमी क्लासिकल सॉन्ग का, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग जाके इस तरह से आप लोग अगर सर्च करते हैं कि सेमी क्लासिकल सॉन्ग लिस्ट, तो आप लोग को इस तरह का मिल जाएगा। तो देखिए इस तरह का जितना भी सॉन्ग आपको दिख रहा है, चिरैया आओगे जब तुम, ये जितना भी है सेमी क्लासिकल सॉन्ग है दोस्तों। सेमी क्लासिकल सॉन्ग अभी बोलेंगे कि किस तरह का सॉन्ग है, हम लोग को नॉलेज भी तो रखना है कि सेमी क्लासिकल क्या होता है क्या नहीं होता है। हम लोग तो नॉलेज में नहीं है। देखिए सेमी क्लासिकल क्या होता है, जैसे कि कोई आप लोग वोट देने जा रहे हैं, जैसे कि आप लोग एक प्रधान को चुन रहे हैं, तो ये प्रॉपर प्रधान हो गया। और एक होता है उप प्रधान, तो क्या हो रहा है, प्रधान के पास पूरा फुल पावर रहेगा और उप प्रधान के पास फुल पावर नहीं रहेगा, आधा अधूरा पावर रहेगा। तो इसी तरह से है, ये भी जान लीजिए आप लोग कि ये भी इस तरह से है।
अगर आप लोग क्लासिकल सीखते हैं तो पूरा भरपूर उसमें पावर रहेगा, आप पूरा सब कुछ कर पाएंगे। लेकिन सेमी क्लासिकल अगर सीखते हैं तो क्लासिकल का आधा माना जाएगा, उसको क्लासिकल का आधा माना जाता है सेमी क्लासिकल, वही आपको समझ के रहना है। देखिए जो लाइट सॉन्ग है थोड़ा सा ज़्यादा रहता है और क्लासिकल थोड़ा सा मतलब 50-50 रहता है, ठीक है, तो उसी को बोला जाता है क्लासिकल सॉन्ग। तो क्लासिकल सॉन्ग को बोला जाता है उपशास्त्रीय संगीत। और उसके बाद दोस्तों अभी हम लोग देखने वाला है गज़ल। तो चलिए गज़ल का लिस्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे किस तरह का सॉन्ग है गज़ल का। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग गज़ल का ही यहाँ पे हिट्स जो है 100 ग्रेटेस्ट गज़ल हिट्स यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग आराम से यहाँ पे देख सकते हैं। जगजीत सिंह जी है, लता मंगेशकर जी है, यहाँ पे नुसरत फ़तेह अली खान है, ठीक है। तो इस तरह का इतना सिंगर है, इन सिंगरों का यहाँ पे दिया हुआ है। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, ठीक है, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, ये भी आप लोग ले सकते हैं गाना को। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, ये गज़ल है। गज़ल में क्या होता है ना कि आपका जो होता है मतलब उसमें मूर्खियाँ जितना कुछ भी होता है सब वहाँ पे मिक्स हो जाता है। अलंकार बोलिए, जो भी बोलिए, आपका सरगम बोलिए, राग बोलिए, जितना भी जो कुछ भी होता है एक गाने में मिक्स हो जाता है और सुनने में बहुत ही मज़ेदार शानदार लगता है, जो भी सुनता है खो ही जाता है एकदम। तो यहाँ पर कोई फरियाद, झुकी झुकी सी नज़र, चिट्ठी ना कोई संदेश, इन आँखों की मस्ती, तो जितना भी ये देख रहे हैं आप गज़ल है, 17 गज़ल है यहाँ पे आप लोगों को मैंने दिखा दिया। तो इस तरह से आपको गज़ल भी 4 सॉन्ग चूज़ कर लेना है, उसके बाद सेमी क्लासिकल भी 4 सॉन्ग चूज़ कर लेना है। अच्छा अच्छा जो कंफर्ट जोन वाला, आपका जो कंफर्ट होता है, आपका जो कंफर्ट लगता है कि मेरा ये सॉन्ग करने से बेहतर होगा, तो वही आप कीजिएगा। उसके बाद चलिए हम लोग देखेंगे सूफ़ी सॉन्ग। सूफ़ी सॉन्ग में हम लोग देखेंगे कि किस तरह का सूफ़ी सॉन्ग है। इसमें भी 100 ग्रेटेस्ट सूफ़ी सॉन्ग यहाँ पे देखिए, मेरे रस के कमर, ये भी सूफ़ी सॉन्ग है। बुलेया कुन फाया कुन, एक मुलाकात, छल्ला, और भी यहाँ पे देखिए मौला मेरे मौला, ठीक है। इस तरह से जितने भी सॉन्ग दिख रहे हैं आपको सब ये सूफ़ी सॉन्ग है। यहाँ प्रीतम, जावेद अली, कैलाश खेर, रूप कुमार राठौड़, जितने भी इस तरह का सिंगर है, अगर आप कंफर्ट जोन में हैं, इनका गाना अच्छा लगता है आपको, तो ये गाना आप लोग चूज़ कर सकते हैं। लगभग हर एक का 4-4 अगर आप लोग करते हैं तो आपका बहुत ही ज़्यादा बेहतर होगा दोस्तों। और ये सूफ़ी सॉन्ग हो गया आपका, देखिएगा ज़्यादातर देखिएगा सचिन कुमार वाल्मीकि सर को, ये क्या करते हैं कि कुन फाया कुन इस तरह का ये जो गाना है बहुत ही ज़्यादा गाते हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि ये जो सुकून वाला गाना है, सुकून वाला किसी को सुनने को मिलेगा ना, अगर उसमें थोड़ा बहुत भी क्लासिकल रहेगा ना तो वो निकल जाएगा, ठीक है, वो सूफ़ी सॉन्ग में निकल जाएगा वो। तो इसलिए अगर आप लोग इस तरह का गाना चूज़ करते हैं तो जजेस को फर्स्ट आपका लिस्ट देख के ही इम्प्रेशन आ जाता है कि नहीं भाई, ये बंदा जो गाना सिलेक्ट किया है ना, बहुत ही तगड़ा गाना है और इसका सिलेक्शन भी हम लोग करेंगे। तो इस तरह का जो है उनका इम्प्रेशन आता है आपके ऊपर कि नहीं, बंदा जो गाना चूज़ किया है एक नंबर गाना चूज़ किया है। और गा देंगे तो बढ़िया से गा दिए तो आपका सिलेक्शन हो ही गया मान लीजिए। उसके बाद चलिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखेंगे सैड रोमांटिक सॉन्ग। और इस तरह का भी सॉन्ग रखना पड़ेगा क्योंकि देखिए बहुत बार क्या होता है, कुमार सानू जी आते हैं, बहुत ही इस तरह के जो ओल्ड है सिंगर वो आते हैं, तो इसलिए आप लोग को इस तरह का भी दिखाना है कि मैं इस तरह का भी गाना कर सकता हूँ, गाना गा सकता हूँ। तो यहाँ पे प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाना आज आजा, तो इस तरह का जो गाना है, एक तमन्ना जीवन की, हर एक मुस्कुराहट मुस्कान नहीं होती, तो इस तरह का जैसे लता मंगेशकर यहाँ पे PSP वाला सुब्रमण्यम, कुमार सानू जी का, आशा भोसले जी का यहाँ पे गाना है, हम लाख छुपाए प्यार मगर, उसके बाद जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। तो इस तरह का जितना भी यहाँ पे सैड सॉन्ग है, सैड रोमांटिक सॉन्ग है, यहाँ पे नया भी मैं यहाँ पे चुन के रखा हूँ। और यहाँ पे न्यू सॉन्ग में भी है, ओ बेदर्दी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, उसके बाद कभी शाम ढले किस्मत बदल दी। तो इस तरह का जितना भी म्यूज़िक है, ये जो है आपका सॉन्ग सिलेक्शन बहुत ही मायने रखता है। अगर आप लोग सिंगिंग ऑडिशन देना चाहते हैं, सॉन्ग सिलेक्शन बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है क्योंकि वही आपका इंप्रेशन में पड़ता है जजेस के ऊपर कि किस तरह का बंदा सॉन्ग सिलेक्शन किया है और ये सारेगामापा में जाने के लायक है या फिर नहीं, वो वहीं पे चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद आप गाना गा दिए तो वहाँ पे सोने पे सुहागा ही हो जाता है। तो यही छोटा सा जो वीडियो था दोस्तों, शायद लंबा हो गया है थोड़ा बहुत क्योंकि इंपॉर्टेंट वीडियो था, आप लोग को बताना था। तो आई होप ये वीडियो देख के आप सही गाना चूज़ करेंगे और एक सही डायरेक्शन पर चलेंगे।
तो यही मेरा मोटिव है इस चैनल को बनाना, इस जो है मेरा बोलना बोलने का मेरा मोटिव यही है कि आप लोग अच्छे से अच्छा सॉन्ग सिलेक्शन करें और ऑडिशन देने जाएं और आप लोग 100% आपका सिलेक्शन हो दोस्तों। तो चलिए यही छोटा सा वीडियो था, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, अच्छा लगा है, तो आप लोग प्लीज़ एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट आप लोग करके जाइएगा, और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, क्योंकि बहुत कोई ऐसे होते हैं जो जानते हैं बहुत ही अच्छा सिंगिंग करते हैं लेकिन उनको सॉन्ग सिलेक्शन का नॉलेज नहीं है। तो उस तरह का अगर पता है आपको लोगों को, जो दोस्त यारी है या फिर आप देखते हैं मेरा वीडियोस शेयर करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस तरह से शेयर कर दीजिएगा ताकि उन लोगों को भी हेल्प मिले दोस्तों। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि सर के लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में।